हेलो फ्रेंड, हेलो मैम, आई एम हाउ आर फाइन। यू? हाय मैम, व्हाट व्हाट अबाउट 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 यू? आई एम आल्सो फाइन। एंड वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड एंड तो बेटा, इसके पहले वाली क्लास में बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना? यस मैम, मैम यस मैम। हमने क्या क्या डिस्कस किया था? कार्बोहाइड्रेट, एंड आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? वाटर एंड नो वाटर एंड रॉकेट, इसका हमारी क्या रोल है, ये हमारी बॉडी को एंड ये हमें कौन कौन से मैटर। ओके बेटा, यस मैम, यस मैम। देवांश एंड निहारिका, आप दोनों के यहाँ से आवाज आ रही है। ये सब नहीं आ रही। बेटा आज हमें क्या पढ़ना है? वाटर एंड रफेज। ओके, रेडी है सभी? यस मैम, यस मैम। आई एम रिकॉर्डिंग। तो बेटा आज हमें क्या पढ़ना है? वाटर एंड रफेज। तो सभी ध्यान से सुनेंगे एंड जिस बच्चे से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रिस्पॉन्स करेगा। ओके बेटा, ओके मैम, यस मैम। तो हम लोग लास्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यस मैम, हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, फैट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे ही हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाटर एंड रफेज। तो बेटा वाटर एंड रफेज का हमारी बॉडी में क्या रोल है, ये सारी चीजें हमें आज डिस्कस करनी है। ओके सावित्री, बेटा माइक ऑफ करिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। और ये आप सभी बेटा खुद देख लिया कीजिए, जिसके भी यहाँ स्क्रीन हाईलाइटेड हो दैट मीन्स उसके यहाँ से आवाज आ रही है, वो केवल आंसर देने के लिए ही अपना माइक ऑफ करे ऑन, ठीक है? जब आंसर दे रहे हो तो माइक ऑन करके बोल दीजिए। तो आज हमें क्या पढ़ना है? वाटर एंड रफेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो भी ध्यान से सुनेंगे। बिसाइड न्यूट्रिएंट्स, वी शुड आल्सो एंश्योर दैट द फूड वी ईट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज। बेटा जब भी हम खाना खाते हैं हमें यही नहीं देखना है कि हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व तो मिले या नहीं मिले, हमें ये भी देखना है कि जो फूड हम ले रहे हैं उसके साथ हमें प्रॉपर अमाउंट में वाटर भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारी बॉडी में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है वाटर, क्योंकि बिना वाटर के हम लोग रह ही नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा देर तक। आप लोगों ने भी बेटा नोटिस किया होगा, आप लोग भूखे तो रह सकते हैं थोड़ी देर, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकते, है ना? यस यस मैम, यस मैम। ये कौन ड्राइंग कर रहा है स्क्रीन पे? चले, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जो वाटर है इसकी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वी नीड टू ड्रिंक सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। हमें हर रोज पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। खाना हम भले ही 3 टाइम खाएं लेकिन पानी बहुत बार पीना चाहिए, और पानी काउंटिंग करके नहीं पीना चाहिए कि हमने 4 बार पी लिया, 5 बार पी लिया। जितनी बार आप पी पाए आपको उतनी बार पानी पीना है। ओके, इन फैक्ट ऑलमोस्ट 70% ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी बॉडी का 70% पानी से बना हुआ है, और आपकी बॉडी का जो 70% है वो पानी से बना हुआ है, और 70% से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को चक्कर आने लगेगा, आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी से पानी वैसे भी निकलता रहता है।
वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. आप जितना ज्यादा पानी पियेंगे ना, आपकी खाने का डाइजेशन अच्छा होगा एंड वेस्ट का रिमूवल भी उतना अच्छा होगा. जो आपकी बॉडी में हो जाता है ना, जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल, वो भी पानी के रूप में ही बाहर निकलता है. कैसे निकलता है ये आप लोगों ने देखा ही होगा. जो रिमूवल है, वेस्ट का रिमूवल, वो हमारी बॉडी से स्वीच एंड यूरिन के रूप में होता है, या तो पसीने के रूप में या फिर यूरिन के रूप में. ओके बेटा, ज्यादा पानी पीना है ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना होने पाए, क्योंकि अगर पानी कम पियेंगे ना आप लोग तो आपको चक्कर आने लगेगा. दूसरा, अगर आप चाहते हैं आपका चेहरा ग्लो करे, बहुत ही सुंदर लगे, तो इसके लिए भी आपको पानी पीना जरूरी है. क्योंकि जितना ज्यादा हमारी बॉडी से पानी निकल जाता है ना, हमारी ऊपर वाली स्किन रूखी सी लगने लगती है. तो अगर आप ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन बहुत ही लाइट लगती है, चमकदार लगती है, सुंदर लगते हैं आप देखने में. ठीक है बेटा? तो यस मैम, क्या करना है आपको बेटा, पानी बहुत ज्यादा पीना है, ध्यान रखना है पानी का. केवल ऐसा नहीं है कि आप खाना खाते टाइम ही पानी पिए, आप लोगों को जब भी मौका मिले, जब भी पानी पी पाए आप, उतना पीना है. ठीक है? चलिए, आप में से बेटा कितने बच्चे हैं जो खाना खाते टाइम पानी पीते हैं, हैंड शो करिए. खाना खाते टाइम बहुत सारा पानी पीते हैं. यस, शो मी योर हैंड. अनिल ने हैंड शो किया है. यस, और विकास ने भी, अलसबा, एंड और कौन से बच्चे हैं जो खाना खाते टाइम बहुत सारा पानी पीते हैं? सावित्री भी पीती हैं. वेरी गुड. चलिए, और कौन पीता है बेटा? और कोई नहीं पीता? नो मैम. नो. अमन आप नहीं पीते? नो मैम. हम नो मैम. नो. दिव्या भी पीती हैं. चलिए, अब आप ये बताइए अमन, खाना खाते टाइम आप ज्यादा पानी क्यों नहीं पीते? मैम, बिकॉज मैम हमारे अंदर जो वो मैम डाइजेशन सिस्टम होता है, मैम हम खाना खाते ही जस्ट नाउ पानी पी लेंगे तो मैम वो अपना काम नहीं कर पाएगा. ओके, चलिए. और कौन पानी नहीं पीते हैं? निहारिका भी नहीं पीती. निहारिका आप बताइए, आप क्यों नहीं पीते हैं? यस निहारिका. निहारिका ऐसे ही नहीं पीती, उन्हें रीजन ही नहीं पता है क्यों नहीं पिया जाता. सौरभ आप भी पीते हैं? नो मैम. चलिए, अब आप बताइए, आप क्यों नहीं पीते खाना खाते टाइम ज्यादा पानी? मैम, अगर हम खाना खाते समय ज्यादा पानी पियेंगे तो मैम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मैम खराब हो जाएगा और वो जल्दी काम नहीं करेगा. चलिए, मैं एग्जांपल देती हूँ मैं आपको इसका, सबसे बढ़िया वाला, तब आप सभी को समझ आ जाएगा. बेटा, आप लोग अपने डेली एक्टिविटीज के बहुत सारे काम करते हो ना, खेलने जाना, आप लोग खाना भी लेके खा लेते हो, अपने शूज, अपने ड्रेस भी रखते हैं प्रॉपर जगह पे, या मम्मी रखती है? जिसकी मम्मी रखती है ना, बहुत बैड हैबिट है, अपना काम खुद करना चाहिए, अपने ड्रेस, अपने शूज प्रॉपर जगह पे रखने चाहिए. यस मैम, हम खुद रखते हैं. चलिए बेटा, मैं आपके सामने कंडीशन रखती हूँ. अगर सपोज दैट कि आपको आपकी मम्मी बिस्तर पे खाना लाके देती है, बोलती है बेटा यहीं बैठ के खा लो, पानी भी यहीं पी लो, खेलना है वो भी यहीं बैठ के खेल लो, कहीं बाहर मत जाओ, बुक भी यहीं लेके पढ़ लो, मैं बैग दे देती हूँ लाके, तो कैसा होगा, अच्छा लगेगा आपको? नो मैम. नो मैम. क्यों नहीं अच्छा लगेगा मैम? बिकॉज मैम बोर हो जाएंगे. मैम बोर हो जाएंगे. मैम बोर हो जाएंगे. अल सुबह आप बताइए बेटा, आपको अच्छा लगेगा? नो. क्यों नहीं अच्छा लगेगा अल सुबह? चलिए अनुप्रिया आप बताएंगी. अनुप्रिया बेटा, अगर आपकी मम्मी सारा सामान आपको बिस्तर पे ही दे दे, आप सो के उठते ही आपको चाय मिल जाए या दूध मिल जाए और खाना भी बैठ पे ही मिल जाए, आपको कहीं भी जाना ना पड़े, आपकी मम्मी ब्रश भी वहीं पर करा दें, खाना भी वहीं दे दें, खेलने के लिए भी वहीं दे दें, तो क्या आपको अच्छा लगेगा पूरे दिन बिस्तर पे आराम करते करते? नो मैम.
लगेगा ना, बोर हो जाएंगे। मैम बोर होने के साथ साथ मैम हम लोग लेजी भी हो सकते हैं। यस मैम, बोर तो होंगे ही, एक और चीज हो जाएगी कि आप लोग लेजी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी मसल जितनी ज्यादा काम करती है ना वो उतनी ज्यादा एक्टिव होती है, और जब आप बैठे रहेंगे तो क्या होगा, जो आपकी बॉडी, जो आपकी मसल्स हैं, जो आपकी बोन्स हैं, वो लेजी हो जाएंगी, एक्टिव नहीं रहेंगी। ठीक है? यस मैम। तो बेटा सेम ऐसे ही आपको खाने के साथ ज्यादा पानी भी नहीं पीना है। अगर आप लोग ज्यादा पानी पीते हैं ना तो क्या होगा, आपको खाना खाने के साथ, खाना खाने के पहले थोड़ा सा पानी पीना है, एंड खाना खाने के बाद जरूरी हो तो थोड़ा सा पानी पीना है, बाकी आपको रुक के 15 मिनट बाद पानी पीना है। अगर आप लोग बीच में पीते हैं तो पता है क्या होगा, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है ना उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खाना बहुत जल्दी से पच जाएगा, एंड जब वो ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो वो भी लेजी हो जाएंगे, यानी नेक्स्ट टाइम अगर आपने फिर कोई हैवी खाना खा लिया ना तो वो बीमार हो जाएंगे, काम करने के लिए मना कर देंगे, आपकी तरह ही लेजी हो जाएंगे वो भी। तो आप चाहते हैं कि वो ऐसा करे? नो मैम, नो मैम, नो मैम। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, थोड़ा पानी पीना है, एंड रुक के कुछ देर बाद आपको पानी पीना है। ठीक है? यस मैम। ध्यान रखेंगे सभी? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलिए वेरी गुड। तो बेटा आपको पानी पीना है पूरे दिन में जितना हो सके, बट आपको ये ध्यान रखना है खाना खाने के साथ ही पानी नहीं पीना, ऐसा मत, ऐसा कोई भी नहीं करेगा कि आपने आधा खाना खा लिया और आधा पानी पी लिया। ठीक है? चलिए तो आते हैं बेटा रफेज पे। अभी तो हम पढ़ रहे थे वाटर के बारे में, हम सभी को बहुत ज्यादा पानी पीना है, 70% हमारी बॉडी का पानी का ही बना होता है, और अगर हम पानी कम पियेंगे तो हमें चक्कर आने लगेगा, हम लोग सुंदर भी नहीं लगेंगे देखने में, हमारा चेहरा डल हो जाएगा, कोई हमें देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ये तो बेहोश होने वाले हैं, और अगर हम लोग पानी पिए रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो हम लोग खेल तो सकते हैं, एक्टिव से तो दिखेंगे, स्मार्ट भी दिखेंगे। ठीक है? यस सर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब पानी के बारे में हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रफेज। अब रफेज क्या है और इसकी हमारी बॉडी को क्या जरूरत है? तो रफेज जो है, ये रफेज इज अ फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो बेटा रफेज एक फाइब्रस रेशेदार चीजें हैं, रेशेदार मटेरियल है, इनडाइजेस्टिबल, जो कि जल्दी नहीं पचता। तो अगर ये जल्दी नहीं पचता तो हमारी बॉडी को इसकी क्या जरूरत है, हमें क्यों खाना चाहिए फिर? वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो बेटा ये इनडाइजेस्टिबल मटेरियल है जो जल्दी नहीं पच पाता है, और ये हमें प्लांट से मिलता है। तो अब आप बताएंगे बेटा कि अगर ये जल्दी नहीं पचता है तो हमारी बॉडी को इसकी क्या जरूरत है, ऐसे खाना क्यों खाएं हम कि जो जल्दी पचे ही ना? चलिए कौन बताएगा इसका रीजन? हमें रफेज मैम क्वेश्चन कैसे बोलिए, मैम क्वेश्चन दोबारा बोलिए। बेटा आपको ये बताया है कि जो रफेज है ये फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल है, यानी कि फाइब्रस है जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसा मटेरियल है जो कि हमें प्लांट से मिलता है, फिर भी हमारी बॉडी को इसकी जरूरत है। तो अगर ये नहीं पचता है तो भी हमारी बॉडी को इसे खाना क्यों जरूरी है, आपको ये बताना है। ठीक है? चलिए अनुप्रिया आप बताइए बेटा। मैम क्योंकि मैम ये अगर जो नहीं पचता तो मैम जो मैम पचने वाला भोजन होता है मैम वो जाकर उसे भी लेकर जाता है, मैम वो भी पच जाता है तब। चलिए ओके। यस तनिष्का आप बताइए बेटा रफेज क्यों खाना चाहिए हमें? मैम इट हेल्प अस गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्ट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो अगर ये खुद ही इनडाइजेस्टिबल है तो ये बेटा अनडाइजेस्टेड वेस्ट को हमारे हमारे बॉडी से कैसे बाहर निकाल? मैम ये जो खराब चीजें होती है मैम उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो बेटा रफेज आपको इसलिए लेना जरूरी है डाइट में, क्योंकि कभी कभार आपको कोई चीज इतनी टेस्टी लगती है ना कि आप उसे खा लेते हैं। जैसे अगर आपके सामने बर्गर रखा गया, चौमिन रखी गई, तो आप लोग मना नहीं करेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी खा लेंगे।
या आप में से कोई ऐसा है जो वहां से हट जाता है, कहते हैं हम नहीं खाएंगे, कोई है ऐसा? कभी कभी मैम, कभी कभी खा लेते हैं। नो मैम। यस मैम, कभी कभी उसमें सभी खा लेते हैं। तो बेटा ये ऐसी चीजें होती है ना जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाती हमारी बॉडी में, तो अगर हम रफेज खाएंगे तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी जो है वो रफेज को पचाएगी एंड साथ साथ जो ये वाला खाना था ये भी पच जाएगा अच्छी तरह, जिससे हमारी कोई हमें कोई बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इस रफेज के साथ साथ जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था जो कि हमें नहीं खाना चाहिए था बट टेस्टी लगने के कारण हमने खा लिया, वो भी हमारी बॉडी में पच जाता है इसी रफेज के कारण। तो इसलिए आपको रफेज लेना जरूरी है ताकि अगर कोई फूड आइटम आपकी बॉडी में नहीं पच पाया है प्रॉपरली तो वो इस रफेज के साथ साथ पच जाता है। ओके यस मैम। तो ध्यान रखेंगे आप सभी, आपको रफेज क्यों चाहिए? यस मैम, क्योंकि हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट को निकालने में हेल्प करता है। ओके यस मैम। अब आप रफेज आपको बेटा किन किन चीजों से मिलता है? जितने भी चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, दाल हो, जितने भी अनाज है उन सभी में रफेज पाया जाता है। एंड राइस में भी, कैबेज में पाया जाता है, पत्ता गोभी में, एंड राइप बनाना में, पके एंड इसके अलावा एप्पल में, ग्वावा में, एंड पियर में, इन सभी में बेटा प्रॉपर मात्रा में वाटर एंड रफेज होता है। तो आपको ये सारी चीजें अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी में रफेज मिल सके, जिससे आपका खाना डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमें रफेज मिल गया तो हम कोई भी खाते, मतलब हम डेली के डेली बर्गर और पिज्जा खा सकते हैं क्योंकि रफेज के साथ साथ तो वो पच ही जाएगा, ऐसा ही सोच रहे हैं आप? नो मैम, नो मैम। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं ना तो बेटा मैं इसकी भी कंडीशन बताती हूँ। अगर आपकी मम्मी आपको ये बोल दे कि घर का सारा काम आज आप करेंगे तो क्या होगा, रात में आपकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी? हम थक जाएंगे। थक जाएंगे ना? तो सेम ऐसा ही आपके डाइजेस्टिव पार्ट के साथ भी होगा। इस सिचुएशन में इन्हें मेहनत करनी पड़ रही है, यानी जब आपने खा लिया, आपको टेस्टी लगा, आपने खा लिया, रफेज भी खाया, तो रफेज के साथ साथ वो चीजें भी डाइजेस्ट हो रही है, लेकिन आपके डाइजेस्टिव पार्ट को मेहनत करनी पड़ रही है ज्यादा। और अगर आप डेली डेली खाएंगे ना तो डाइजेस्टिव पार्ट है ये खराब हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें भी गुस्सा आ जाएगा कि हम लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तो इसलिए आपको डेली डेली नहीं खाना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको ये चीजें केवल कुछ दिनों में ही खानी है, वीक में एक बार, या हो सके तो 2 वीक्स में एक टाइम, 2 वीक में एक बार। ठीक है बेटा? यस मैम। ध्यान रखेंगे सभी? यस मैम। आपको वाटर एंड रफेज के बारे में पता लग गया सभी को? यस मैम। चलिए वेरी गुड। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आज का आता है हमारा बैलेंस्ड डाइट। अब हमें पढ़ना है बैलेंस्ड डाइट के बारे में। ओके मैम। तो बेटा सभी ध्यान से सुनेंगे। However, all nutrients are not present in all kinds of food. तो बेटा अभी तक हमने जितनी भी चीजें स्टडी की, एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिसमें सारे पोषक तत्व हमें एक साथ मिल जाएं। नहीं है ना? नो मैम। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपना अपनी जो थाली है, अपना फूड ऐसा तैयार करना है जिसमें सारे पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन सब इंक्लूड हो। सो वी शुड टेक अ डाइट दैट कंटेन्स दैट राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा हमें एक ऐसी डाइट लेनी है, हमें एक ऐसा आहार लेना है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे पोषक तत्व सही मात्रा में हो। रफेज एंड वाटर अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी रिक्वायरमेंट, और रफेज और वाटर भी हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार हो। तो ऐसी डाइट को जिसमें ए डाइट दैट हैज द राइट प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू मेंटेन गुड हेल्थ इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। तो बेटा एक ऐसी डाइट यानी एक ऐसा आहार जिसमें सारे पोषक तत्व राइट प्रोपोर्शन में हो, सही मात्रा में हो,
उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट. ठीक है. यस मैम. तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन सभी को लर्न होनी चाहिए. एक बार दोबारा सुनेंगे. ए डाइट दैट हैज द राइट प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एक ऐसी डाइट जिसमें सारे पोषक तत्व सही मात्रा में हो, टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमारे शरीर को सही रखने के लिए. और ऐसे आहार को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार जिसमें सारे पोषक तत्व सही मात्रा में हो, जितने आपकी बॉडी को चाहिए. ओके बेटा. अब देखिए ये आपको पिक्चर भी हुई है. दैट मीन्स जब आप खाना खाएं तो उसमें फैट वाली चीजें भी होनी चाहिए, प्रोटीन वाली भी होनी चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स भी होना चाहिए एंड कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए. अब देखिए आपको ये ट्रायंगल के थ्रू इसलिए समझाया है बेटा, ध्यान देना है सभी को. सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को जरूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की, इसलिए ट्रायंगल में सबसे नीचे इसे रखा गया है. ठीक है. एंड कार्बोहाइड्रेट के बाद नेक्स्ट हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है विटामिन एंड मिनरल्स की, इसलिए सेकंड नंबर पे आता है. एंड विटामिन एंड मिनरल्स के बाद थर्ड नंबर पे आता है प्रोटीन. प्रोटीन की जरूरत होती है हमें ताकि हमारा शरीर ग्रोथ करे. एंड लास्ट में हमारी बॉडी को सबसे कम किस चीज की जरूरत होती है? फैट की. ट्रायंगल बना के क्यों समझाया है? समझ आ गया ना आपको? यस मैम. तो आपकी बॉडी को बेटा सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फिर विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए, एंड उससे कम क्या चाहिए? प्रोटीन. एंड सबसे कम आपकी बॉडी को क्या चाहिए? फैट. समझ आ गया? यस मैम. यस मैम. चलिए पहले आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद में आगे का टॉपिक पढ़ाती हूँ आपको. चलिए सौरभ आप बताएंगे बेटा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अवर बॉडी? मैम 70%. 70%. वेरी गुड. चलिए निहारिका, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. आपको ये बताना है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज? व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज? यस दिव्या, यू टेल. मैम इट्स ग्रो अप रेट्स ऑफ द अनडाइजेस्टिव वेस्ट फॉर आवर बॉडी. बेटा अपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना शायद. अनुप्रिया आप बताइए. यस मैम. यस मैम. मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था बेटा? अनुप्रिया ध्यान है आपको? मैम व्हाट इज द रफेज? नो. चलिए अमन आप बताइए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रफेज? मैम इट हेल्प्स गेट रिड ऑफ अनजस्ट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. बेटा आप सभी लोग ना क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुनते हैं. अगर आपसे पूछेगा तो आप पता नहीं क्या आंसर बता रहे हैं. मैंने आपसे पूछा है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रफेज? सोर्स क्या है रफेज के? हमें क्या चीजें खाने से रफेज मिलता है? मैम आप लोग ऐसे ही आंसर बताया करिए ताकि मैम को पता ही ना लगे कि किस बच्चे को याद है और किसको नहीं. जब भी आपसे मैं कुछ पूछूं तो आप सारे एक साथ इकट्ठा होकर बोला दूंगी. अगर मुझे ये जानना है कि किस किस को पता है, कौन जानता है कौन नहीं, तो आप एक एक बच्चे ही तो बताएंगे ना. सारे एक साथ बोलोगे तो मुझे पता ही नहीं लगेगा किसे समझ आया किसे नहीं समझ आया. तो इसलिए बेटा सभी को अकेले को बताना है सभी को. ठीक है, साथ में नहीं बोलना है. चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ. चलिए आपको बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज? इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज. यस, जिस जिसको आता है हैंड शो करिए. यस तनिष्का आप बताइए. अंडर डाइजेस्ट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी.
यस दिव्या आप बताइए बेटा. इट हेल्प अस गेट रेड ऑफ द अनडाइजेस्ट वेस्ट ऑफ फॉर आवर बॉडी. चलिए वेरी गुड. यस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. आपको बताना है व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट. यस अनिल आप बताइए बेटा व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट. A diet has the right proportions of nutrients to maintain good health. It's called balanced diet. Very good, beta. Yes, Savitri, now you tell. Savitri, mic off है आपका. आप बोले जा रहे हो. मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया अभी तक. एक भी word. Ma'am, a diet that has the right provision of nutrients to maintain good health is called Valentine's diet. Yes, Alsaba, aap bataiye. Ma'am, yes, Alsaba. कल सुबह की आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है. मैम मैटर. यस अनुप्रिया आप बताइए. अ डाइट दैट हैज अ राइट पोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू रिमेन गुड हेल्थ एंड मेक अस हेल्दी एंड फिट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. चलिए वेरी गुड. तो बेटा बैलेंस डाइट क्या है. जहां पर हमें जिस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स बराबर प्रोपोर्शन में हो, जितनी मात्रा में हमें चाहिए उतनी ही मात्रा में हो, तो हम इसे क्या बोलते हैं. बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट. तो बेटा जो आप फूड लेते हैं इट मींस चूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स. तो बैलेंस डाइट बनाने का मतलब क्या है कि आप फूड ग्रुप में से दैट मींस कार्बोहाइड्रेट वाले ग्रुप से भी लें, विटामिन एंड मिनरल्स वाले ग्रुप से भी लें, प्रोटीन्स वाले ग्रुप से भी लें, फैट वाले ग्रुप से भी. बट आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स लेने हैं, विटामिन एंड उससे कम प्रोटीन एंड सबसे कम फैट लेना है. ठीक है बेटा. यस मैम. तो आगे देखिए आपको बताया भी है आपका बॉडी नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ फैट. तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए एंड सबसे कम क्या चाहिए, फैट. यस मैम. और बेटा बैलेंस डाइट एक और चीज पे रेफर करती है. बैलेंस डाइट का मतलब ये सभी के लिए एक जैसी नहीं है. जैसे जो थाली आपके पापा के लिए है वही थाली आपके लिए भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पापा जो है उन्हें उनके लिए कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन एंड मिनरल्स ज्यादा चाहिए, जबकि आपकी डाइट में प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आप लोग अभी ग्रो yes, है ना. यस मैम. तो बेटा ये जो डाइट होती है एज के साथ साथ, एक्टिविटी के साथ साथ एंड जेंडर के साथ साथ अलग अलग होती है. जैसे अगर हम एज को ले लें तो बड़े पर्सन को ज्यादा चाहिए, छोटे पर्सन को कम चाहिए. बड़े को कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा चाहिए, छोटे बच्चों को उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए. yes. छोटे बच्चों को प्रोटीन ज्यादा चाहिए क्योंकि वो लोग ग्रोथ कर रहे हैं. ऐसे ही बेटा एक्टिविटीज भी हमारी डिफरेंट होती है. जैसे एक रेसलर है जो कि एक जो रेसलिंग करता है उसे कौन से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में चाहिए. विटामिन एंड बेटा प्रोटीन भी तो चाहिए उसे ताकि हो. यस मैम. है ना. यस मैम. यस मैम. तो और इसके अलावा जेंडर भी है. जेंडर भी डिफरेंट डिफरेंट होता है. जैसे लेडीज के लिए अलग डाइट होना चाहिए, जेंट्स के लिए अलग. जो जेंट्स होते हैं बेटा वो मेनली फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं. मेनली जो जेंट्स होते हैं वो जॉब करने वाले होते हैं तो उनकी डाइट में भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए. एंड जो लेडीज होती हैं
वो घर पे रहती है लेकिन फिर भी वो सारा काम करती है, दूसरा घर पे बच्चों की जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर, तो उनको भी ऐसी चीजें चाहिए जिससे उनकी बॉडी बराबर बनी रहे, ग्रोथ करती रहे। ठीक है मैम, प्रोटीन। तो बेटा एज, एक्टिविटी और जेंडर, ये हर एक पर्सन के लिए डाइट को अलग अलग बनाता है। मतलब एज के अकॉर्डिंग भी डाइट अलग हो जाती है, एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग भी डाइट अलग होती है, एंड जेंडर के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होती है। ठीक है बेटा, आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको आपको होमवर्क देती हूँ मैं आज का आपका। विच न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर मोर इन अवर बॉडी? विच न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर मोर इन अवर बॉडी? एक साथ बोल रहे हैं। चलिए कांक्षा आप बताएंगी, विच न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर लीस्ट इन अवर बॉडी? फैट। वेरी गुड मैम। चलिए बेटा, तो आज का ये आप लोगों का होमवर्क है। फिलहाल ये जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं ना, वो हम सभी डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग कर सकते हैं इसका आंसर। आपके लिए ये डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा। जैसे इसमें पहला दिया हुआ है, नीड द न्यूट्रिएंट्स दैट गिव एनर्जी। आपको एनर्जी कौन देता है? चलिए एक साथ बताइए सभी। कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड मैम। एंड आपको आंसर लिखना है, लिस्ट एनी थ्री सोर्सेज ऑफ ईच। आपको बेटा एनर्जी गिविंग फैट भी है, इसलिए इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों का नाम लिखना है। ठीक है? यस मैम। और आपको इनके सोर्सेज भी बताने, थ्री सोर्सेज, थ्री कार्बोहाइड्रेट के एंड थ्री ही फैट के। उसके बाद आपसे बैलेंस डाइट पूछा है, व्हाट इज बैलेंस डाइट, ये भी कर लेंगे सभी। वेरी गुड सचिन, अब की बार आपकी आवाज आई है। चलिए ट्रू फॉल्स बताना है बेटा। द रफेज इन अवर बॉडी हेल्प अस ग्रो, जिस बच्चे से मैं पूछूंगी केवल वही बताएगा। द रफेज इन अवर बॉडी हेल्प अस ग्रो, यस दिव्या आप बताइए बेटा, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। वेरी गुड, जो रफेज है ये हमें ग्रो करने में हेल्प नहीं करता। चलिए दिव्या आप ये बताइए बेटा, अगर रफेज हेल्प नहीं करता ग्रो करने में तो कौन सा न्यूट्रिएंट करता है? मैम प्रोटीन। प्रोटीन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अवर डाइट, यस शान्विका आप बताइए बेटा। नेक्स्ट ऑप्शन, देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अवर डाइट, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? फॉल्स। फॉल्स है, हमारी डाइट मैम या बैलेंस डाइट वाले चार्ट को देख के बता रहे हैं कि ट्रू है ना? नो मैम फॉल्स है। फॉल्स है, ये आपके लिए बैलेंस डाइट है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में केवल फोर नहीं होते, ज्यादा होते हैं, ये हमने पढ़ा। ट्रू होगा मैम, नहीं तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि कितने होते हैं ये? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके तो क्या आएगा यहाँ पर? फॉल्स। चलिए अब नेक्स्ट, प्रोटीन आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, यस अमन आप बताइए। बेटा प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। वेरी गुड, प्रोटेक्टिव तो विटामिन एंड मिनरल्स हैं। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, अवर बॉडी, बेटा ये अनुप्रिया बताएंगे और कोई नहीं बोलेगा। अवर बॉडी रिक्वायर मिनरल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, अनुप्रिया ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे कम क्वांटिटी किसकी चाहिए?
तो बेटा हम सभी डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी लोग कर लेंगे। यस मैम। ये आज का आपका होमवर्क है सभी बच्चों का, और आपको आंसर लिख के सबमिट करना है। ओके बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो वर्ड मीनिंग बेटा, वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड कर दूंगी। अभी आपको आज का ये होमवर्क करना है, एंड लास्ट एक्सरसाइज के पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग सेंड कर दूंगी, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा। यस मैम। बेटा चलिए, टाइम ओवर हो चुका है एंड मैंने आपको होमवर्क दे दिया आज का, सभी बच्चे कर लेंगे। यस मैम। बेटा आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। गुड बाय।